नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी अपने लंबे संसदीय जीवन की बार बार बात करते हैं, लेकिन आज जो हुआ उससे पता चलता है कि कमलनाथ जी का संसदीय परंपराओं पर विश्वास नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को विधानसभा की संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए था। साथ ही वह कहते हैं कि सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, यह हमारे संविधान की परंपरा है, लेकिन कांग्रेस की श्रद्धांजलि में भी स्तरहीन राजनीति की। नरोत्तम मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया है। कभी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण में 1 लाख के ऊपर लोग मर गए, कभी शमशान जाकर मुर्दों से बात कर आते हैं, लेकिन कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भयावह बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन बाढ़ पर चर्चा के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अच्छी लाइन। देखो, इस तरह कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करो। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल देना श्रद्धांजलि के बाद, क्या 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे, 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी, क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है, 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते, क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते, क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती इसी विषय को लेकर? की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन, अन्यथा डिबेट करे, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है, बाढ़ में चर्चा नहीं, बाढ़ में हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूँ। कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो बार बार अपने आप, संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए?